हाय एवरीवन, आज सब लोग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं बनाऊंगी तीसी का लड्डू, जो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है बालों के लिए और फेस के लिए, स्किन के लिए, सभी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। खासकर ये सर्दी में ही ज़्यादा खाया जाता है। आप इसका सेवन हमेशा कर सकते हैं, इसका पाउडर बनाकर सब्जी में डालकर खा सकते हैं। मैं 1 किलो तीसी का बीज ले ली हूँ। ये इस प्रकार होता है और इसको धोना नहीं रहता है, धोने से ये चिपचिपा हो जाएगा और लड्डू कभी नहीं बन पाएगा। तो इसके धोना नहीं है, बस ऐसे ऐसे साफ कर लीजिएगा। कुछ कंकड़ पत्थर हो तो उसे निकाल लीजिएगा। अब एक हम गैस पे कढ़ाई रख दिए हैं गर्म होने के लिए, और कढ़ाई हमारा गर्म हो गया है। अब इसमें हम ये तीसी का बीज डालकर भून लेंगे। तो बहुत ही आसान रेसिपी मैं आप सबको दूँगी, जिनको नहीं आता है वो भी आराम से ये तीसी के लड्डू आराम से बना सकते हैं और सर्दी में इसका एंजॉय कर सकते हैं। हमारा तीसी ये बना गया है और इसका पहचान ये है, शुरुआत में ये चट-चट का आवाज़ करता है और जब ये भुना जाता है तो ये खुलकर थोड़ा डबल भी हो जाता है। भुनाने का दूसरा पहचान ये भी है कि ये आसानी से टूट जाता है। अब इसे हम निकाल लेंगे एक बर्तन में। अब इसमें हम 3 चम्मच मेथी का दाना डालकर भून लेंगे। ये जो रेगुलर चम्मच होता है ना, इसी से ये 3 चम्मच है। और इसे हम थोड़ा सा हल्का सा कलर चेंज होने तक भून लेंगे। ये यूपी और बिहार का फेमस सर्दी स्पेशल लड्डू है। अब हम गैस बंद कर देंगे, इसका कलर चेंज हो गया है। और इससे ज़्यादा भूनेंगे तो ये कड़वा लगने लगेगा, इसलिए इससे ज़्यादा इसे नहीं भूनना है। अब इसमें हम 1 कटोरी से थोड़ा सा कम चावल ले लेंगे, इसको भी हम भून लेंगे। आप इसकी जगह पर चावल का आटा भी ले सकते हैं और इसे भी ब्राउन होने तक भूनेंगे हम। हमारा चावल भी अच्छी तरह भुना गया है, हम गैस बंद कर देंगे। अब इससे ज़्यादा हमें नहीं भूनना है। अब चावल को निकालने के बाद हम इसमें 2 चम्मच घी डाल देंगे, और घी हमारा अच्छा गर्म हो गया है। अब इसमें हम 2 चम्मच बादाम डाल देंगे। बादाम हमारा भुना गया है। अब 3-4 चम्मच इसमें काजू डाल देंगे और इसे भी भुनेंगे। काजू भी भुना गया है। अब इसमें 3 चम्मच हम किशमिश डालेंगे। और ड्राई डालने की चॉइस अपनी है, जो आपको पसंद हो वो डालें। इसी को हम निकाल लेंगे। अब इसमें हम 2-4 चम्मच घी और डाल देंगे। जितना तीसी रहेगा उसका आधा हमें आटा लेना होता है। चाहे तो केवल चावल में ही बना सकते हैं। मैं जो आटा ली हूँ उसके जगह पे आप केवल चावल का भी बना सकते हैं, उसका भी टेस्ट अच्छा लगता है। आटा हमारा बना गया है, इसमें से खुशबू बहुत अच्छा आ रहा है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। बस हमें इतना ही इसे भूनना है। अब हम बंद कर देंगे गैस को और इसे भी हम अलग बर्तन में निकाल लेंगे। आटा निकालने के बाद हम इसमें 500 ग्राम गुड़ डाल देंगे और थोड़ा सा पानी डाल देंगे। बस इसे हमें घुलने तक पकाना है। इसका कोई चाशनी, तार की चाशनी हमें नहीं चाहिए इसमें। 5 मिनट हो गया है और सारा गुड़ हमारा घुल गया है। इसे घुलने में टाइम नहीं लगता है। हमारा चाशनी बनकर रेडी हो गया है। अब हम गैस बंद कर देंगे। बस गुड़ घुलने से 5 मिनट हमें ज़्यादा पकाना है। अब इसे हम थोड़ा ठंडा होने देंगे। अब ये हल्का गुनगुना हो गया है। अब इसको हम छान लेंगे। देखिए दोस्तों, हम गुड़ को छान लिए हैं और गुड़ में हल्का फुल्का कचरा है वो निकल गया है। चाशनी में 1 चम्मच भर के हम घी डाल लेंगे। ये घी डालने का रीज़न यह है कि लड्डू हमारा शाइनी बनता है देखने में और स्वादिष्ट भी बनता है। और इसे हम अच्छी तरह मिला लेंगे। सारे घी को हम अच्छी तरह मिला लिए हैं। अब इसको हम साइड पे रख देंगे। अब हम तीसी को ले लिए हैं। जो तीसी हमने भुना था उसका हम मिक्सी में डालकर अच्छा पाउडर बना लिए हैं, और चावल और मेथी का भी हम पाउडर बना लिए हैं, और जो हम आटा भुने थे उसका भी हम इसी में डाल देंगे। अब सबको हम अच्छी तरह मिला लेंगे। अब इसमें हम ड्राई फ्रूट डाल लेंगे। आप अपने पसंद का कुछ भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं और इसे भी हम अच्छी तरह मिला लेंगे हाथों से। अब गुड़ के चाशनी को हम
इसमें डाल देंगे। और डालकर हम अच्छी तरह इसे भी मिला लेंगे। अरे मिश्रण को हम अच्छी तरह मिला लिए हैं। अब इसका हम छोटा बड़ा अपना जितना बड़ा साइज आप रखना चाहते हैं उतना बड़ा आप लड्डू बना लीजिए। देखिए दोस्तों, इसी तरह हम सारे लड्डू को बना लेंगे। सारे लड्डू बनकर रेडी हो गए हैं। अगर आप सबके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।